की स्टार्ट में हमें एक आर्मी बेस में एक मुर्दा घर दिखाया जाता है वहाँ पर एक साइंटिस्ट होता है जो अपने असिस्टेंट को एक केमिकल की पूरी दो सौ रिवर में डालकर खाली करने के लिए कहता है जिस पर वो असिस्टेंट कहता है कि अगर ये खतरनाक किस्म का केमिकल हमने रिवर में डाल दिया तो ये समुद्री जानवरों के लिए नुकसानदेह साबित होगा क्यूँकी ये खतरनाक केमिकल था और उन्हें कुछ भी हो सकता था लेकिन वो जो साइंटिस्ट होता है वो अपने असिस्टेंट की कोई बात नहीं मानता और केमिकल की दो सौ बॉटल्स को खाली करने का ऑर्डर दे देता है और ये असिस्टेंट असिस्टेंटिक मिकल की 200 सौ बॉटल्स को रिवर में फेंक देता है इसके बाद हमें दो साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दो फिशर्स मैन दिखाए जाते हैं जो कि रिवर में मछलियाँ पकड़ रहे होते हैं तभी उन्हें रिवर में एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है और उस क्रिएचर के काफी ज्यादा पैर थे ये लोग सोच रहे थे की ये जानवर चेंज होकर ऐसा बन गया है वो छोटा सा क्रिएचर काफी तेज होता है और उनके हाथों से निकल कर दोबारा पानी में चला जाता है इसके बाद हम चार साल बाद का सीन देखते है जहाँ पर हमें एक शॉपकीपर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गैंगडो ंगडो जो की थोड़ा सीधा साधा था और कम अकल था और वो छोटी छोटी मिस्टेक्स किया करता था और काफी केयरलेस भी था गेंगडू की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गेंगडू अपनी बेटी ह्यून्सू से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था अपने फादर से एक नए मोबाइल फोन की डिमांड करती है इसीलिए गेंगडू अपनी बेटी का मोबाइल लेने के लिए थोड़े थोड़े पैसे कलेक्ट कर रहा था गेंगडू के साथ उसके फादर भी रहते थे जो ह्यून्सू का बहुत ख्याल रखते थे गेंगडू की एक सिस्टर भी थी जो की क्रॉसबो की एक्सपर्ट थी गेंगडू अपनी बेटे यूनसु के साथ अपनी सिस्टर को लाइव देख रहा था जो की क्रॉसबो में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तभी वहाँ पर गैंगडू के फादर आ जाते हैं और वो गैंगडू को बोलते हैं कि वो कस्टमर को बेयर देकर आए तभी गैंगडू अपने कस्टमर्स को बेयर देने जाता है तभी उन लोगों को ब्रिज पर मछली की तरह नजर आने वाला एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास आ जाता है गैंगडू समेत वहाँ पर सारे लोग उस मॉन्स्टर को बेयर मारने लगते है और ऐसा करके वो काफी इंजॉय कर रहे थे इसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद गैंगडू देखता है कि वो मॉन्स्टर तो पानी से बाहर आ गया है जो लोगों पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बना रहा है उन्हें मार रहा है उन्हें खा रहा है गैंगडू उसे देख कर डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है वो मॉन्स्टर फिर एक आदमी को खाने की कोशिश करता है लेकिन गैंगडू एक भारी साइन बोर्ड उठाता है और उस मॉन्स्टर की दुम पर दे मारता है जिससे उस मॉन्स्टर के दुम से खून निकलने लगता है और वो खून गैंगडू के फेस पर भी गिर जाता है फिर वो मॉन्स्टर गैंगडू को अपनी भयानक शक्ल दिखाता है गेंगडू दिखता है कि ये मॉन्स्टर एक आदमी को निगल रहा है जिससे गेंगडू डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है फिर हम देखते हैं कि और उसके ग्रैंडफादर अभी भी गेंगडू की सिस्टर की लाइव परफॉर्मेंस देख रहे थे गेंगडो की सिस्टर सेमीफाइनल हार जाती है जिससे ह्यून्सु अपसेट हो जाती है और वो बाहर आ जाती है तभी गेंगडडो वहाँ पर आकर ह्यून्सू का हाथ पकड़ कर वहाँ ऐसी भागने लगता है क्यूँकी वो मॉन्स्टर इनके पीछे पड़ गया था भागते भागते ह्यून्सू नीचे गिर जाती है लेकिन गेंगडो ह्यून्सू का हाथ पकड़ लेता है और वो लोग फिर से भागने लगते हैं कुछ दूर आने के बाद गेंगडू देखता है कि उसने तो किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ है तभी वो मॉन्स्टर के पास आता है और उसे अपने साथ रिवर में ले जाता है ये देख कर गेंगडू शॉक्ड रह जाता है और वो देखता ही रह जाता है फिर हम देखते है की जिन लोगों ने भी उस मॉन्स्टर को करीब ऐसी देखा था उन सबको एक हॉल में बंद कर दिया जाता है जबकि मिलिट्री और पुलिस पूरे एरिया को सील कर देती है हॉल में उन सब लोगों की पिक्चर्स थी जिन्हें उस मॉन्स्टर ने अपना शिकार बनाकर उन्हें मार डाला और उन्हें खा उन्हीं पिक्चर्स में एक पिक्चर ह्यून्सू की भी थी जिसे देखकर उसके फादर और ग्रैंडफादर दोनों काफी दुखी हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोते हैं वहीं पर गेंगडू की सिस्टर और उसका भाई भी आ जाते हैं गेंगडू का भाई उसे बहुत मारता है क्योंकि अगर गेंगडू बाई मिस्टेक उस बच्चे का हाथ ना पकड़ता तो ह्यून्सू आज जिंदा होती और उस मॉन्स्टर का शिकार ना बनी तभी उस हॉल में एक येलो कॉस्ट्यूम वाला आदमी आता है जो उन लोगों से सवाल करता है कि अगर कोई भी उस मॉन्स्टर के करीब आया है या फिर उस मॉन्स्टर से टच हुआ है तो वो अपना हैंड रेस कर दे तब गैंग जल्दी से अपना हैंड रेस कर देता है और बताता है कि उस मॉन्स्टर का ब्लड मेरे फेस पर लग गया था ये सुनते ही वो आदमी अपने बाकी आदमियों को कह कर गैंगडू को पकड़वा लेता है और कहता है कि जरूर इसमें भी वो वायरस होगा जो उस मॉन्स्टर में है फिर हम देखते हैं कि गैंगडू की पूरी फैमिली और वो लोग जिन्होंने उस मॉन्स्टर को देखा था वो सब के सब लोग डॉक्टर्स के अंडर थे रात को गैंगडू के पास किसी की कॉल आती है जब गैंगडू कॉल रिसीव करता है तो वो कॉल उसकी बेटी की ह्यून्सू की होती है अपने फादर गैंगडू को कहती है की पापा प्लीज मुझे बचा लीजिए गैंगडू ह्यून्सू से पूछता है की इस वक्त तुम कहाँ पर हो जिस पर ह्यून कहती है कि मैं एक ब्रिज के नाले में हूँ जहाँ पर मेरे अलावा और भी लोग हैं ये सुनकर गेंगडू और उसकी फैमिली खुश हो जाती है क्योंकि यूंस्यू जिंदा जो थी और नेक्स्ट डे वो लोग इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं जिस पर पुलिस वाला कहता है कि गेंगडू की गेंगड की बॉडी में वो वायरस तेजी से फैलता जा रहा है इसीलिए ये पागल बनता जा रहा है और ऐसी बातें कर रहा है ये कहते ही वो पुलिस ऑफिसर इनकार कर देता है की मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा लेकिन गेंगडडू के फादर का एक फ्रेंड पुलिस ऑफिसर होता है जिसकी मदद लेकर वो लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं ये लोग अपने साथ गन्स और कुछ वेपन ले लेते हैं और कुछ जरूरी सामान भी फिर ये लोग चेकिंग एरिया ऐसी गुजरते हुए आगे बढ़ते है लेकिन चेकिंग एरिया में एक ऑफिसर इन्हें आगे जाने नहीं देता क्यूँकी ब्लॉक एरिया में जाने के लिए उन्हें आई डी की जरूरत थी और उन लोगों के पास उस वक्त आई डी नहीं थे लेकिन फिर गैंगडो के फादर उससे वो पैसे ले, ले लेते हैं जो उन्होंने यूनस्यू का मोबाइल लेने के लिए कलेक्ट किए थे गैंगडो का फादर वो पैसे उस ऑफिसर को दे देता है और कहता है कि सॉरी इस बार तो हम आईडी कार्ड्स भूल आए हैं तो आप इस से काम चला लीजिए इसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं फिर हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर दो तो येलो कॉस्ट्यूम वाले आदमियों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें भी उसी ब्रिज के नाले में ला कर रख देता है वो उन लोगों को वहाँ पर इसीलिए कलेक्ट कर रहा था कि अगर उसे भूख लगेगी तो वो उन लोगों को एक एक करके खा लेगा और वो मॉन्स्टर ह्यून्सियों को भी यहीं पर ही लाया था लेकिन जब वो मॉन्स्टर ह्यून्सियों को यहाँ पर लाया था तब ह्यून्सियो वहाँ पर बने एक छोटे से पाइप में छुप जाती है और यूनसियो ने उन्हीं लोगों में से एक का मोबाइल लिया था और अपने फादर यानी गैंगडू को इन्फॉर्म किया था की कि वो जिंदा है इसके बाद हम शाम में उसी ब्रिज के नीचे दो भाइयों को देखते है उनमें छोटे भाई का नाम सीजू था ये दोनों भाई खाने का सामान चुराने के लिए गैंगडू के शॉप पर आए थे और वो लोग जितना हो सके खाने का उतना सामान चुरा लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं उनका कोई घर भी नहीं होता इसीलिए वो लोग हमेशा खाना चुरा कर ही खाया करते थे लेकिन जब वो लोग खाना चुरा कर वहाँ ऐसी जा रहे होते हैं तब वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है वो मॉन्स्टर उनमें से बड़े भाई को मार देता है और छोटे भाई यानी सीजू को अपने साथ ले जाता है वो मॉन्स्टर सीजू को भी उसी ब्रिज के नाले में लेकर आता है जब ये मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है तब यून्हाँ पर आकर देखती है कि ये लड़का तो जिंदा है उससे उसका नाम पूछती है तो वो कहता है कि मेरा नाम सीजू है फिर हम देखते हैं कि गैंगडू और उसकी फैमिली के बाकी लोग अपनी शॉप पर आ जाते हैं और खाना खाकर वहाँ पर सो जाते हैं और वो काफी अपसेट लग रहे थे लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब गैंगडू की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो मॉन्स्टर तो उनके शॉप के बाहर ही खड़ा हुआ है ये देख कर गैंगडो के फादर उस मॉन्स्टर पर फायरिंग करने लगते हैं और वो मॉन्स्टर इनकी शॉप पर अटैक करके उस शॉप को पलट देता है फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगते हैं उन गोलियों से बचने के लिए वो मॉन्स्टर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है ये लोग उस मॉन्स्टर पर इतनी गोलियां चलाते हैं कि इन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं रहता कि उनकी गन्स में गोलियां खत्म हो रही हैं फिर वो मॉन्स्टर पानी में चला जाता है तब गोलियों की आवाज़ सुनकर कर वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस अब उन्हीं की तरफ आ रही थी फिर ये सब रिवर की दूसरी साइड पर चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर आ रहा था गेंगडू के फादर उससे उसकी गन लेते हैं जिसमें अभी एक गोली बाकी थी गेंगडू अपने फादर को बताता है कि इसमें अभी एक गोली बाकी है फिर गेंगडू के फादर अपने तीनों बच्चों को वहाँ से भागने को कहते हैं और तभी गेंगडू के, के फादर के पास वो मॉन्स्टर आ जाता है तब गेंगडडू के फादर उस मॉन्स्टर पर अपना निशाना बनाते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं लेकिन तभी वो देखते हैं कि गन में तो एक भी गोली नहीं थी तभी गैंगडू को भी रियालाइज होता है की गन में तो गोलियाँ खत्म हो चुकी थी एक भी गोली नहीं थी तभी वो मोन्स्टर गैंगडू के फादर को हिट करता है और दोबारा से रिवर में चला जाता है गैंगडू अपने फादर के पास आता है तो वो देखता है की उसके फादर तो मर चुके हैं अपने फादर को खो कर गेंगडू बहुत दुखी हो जाता है और वो रोने लगता है और पुलिस भी उन लोगों के पास आ चुके थी तब गैंगडू अपने सिस्टर और भाई को वहाँ से भागने के लिए कहता है लेकिन गैंगडू अपने फादर को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था इसीलिए वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है और पुलिस गैंगडो को पकड़ कर अपने साथ ले जाती है गेंगड का भाई अपने फ्रेंड को कहता है कि की ह्यून्सू की कॉल को ट्रेस करो और वो कॉल ट्रैकर गैंगडो के भाई की हेल्प करता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कॉल ट्रैकर ने अपने फ्रेंड यानी गैंगडो के भाई के साथ ट्रिक की है असल में पुलिस ने गेंगडू की पूरी फैमिली को पकड़ने पर इनाम रखा था क्योंकि वो लोग उस मॉन्स्टर के टच में जो थे अब क्योंकि गैंगडू तो पकड़ा गया था लेकिन गैंगडो की बहन और भाई को पकड़ने के लिए अभी भी इनाम रखा था पुलिस ने इसीलिए गेंगडो के भाई को पकड़वाने के लिए उस कॉल ट्रैकर ने ये चाल चली फिर वो कॉल ट्रैकर ऑफिस में जाता है जहाँ पर पुलिस थी और हॉस्पिटल के बाकी वर्कर्स थे और वो सब लोग गैंगडो के भाई को पकड़ना चाहते थे और इनाम हासिल करने के लिए वो कॉल ट्रैकर गेंगडो के भाई को यहाँ तक लेकर आया था वो सब लोग वहाँ से बाहर आते हैं और गैंगडो के भाई को चारों तरफ से घेर लिया जाता है अब क्योंकि गेंगडो के भाई को ही उनसे लोकेशन पता चल चुकी थी इसीलिए गैंगडो का भाई वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी खराब करके वहाँ से भाग जाता है फिर गैंगडू का भाई अपने सिस्टर को भी यूनस्यू की लोकेशन सेंड कर देता है दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर गैंगडू को पकड़कर उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे और तो और उसे टॉर्चर भी किया जा रहा था लेकिन यहाँ पर किसी तरह गैंगडू समझदारी का मुजाहरा करता है और वो उन डॉक्टर के ट्रैप से बच कर भागने में कामयाब हो जाता है जो कि अपने फादर के आने का वेट कर रही थी की उसके फादर उसे बचाने के लिए जरूर आएंगे लेकिन जो गैंगडू की सिस्टर होती है अब वो उस ब्रिज के नीचे आ जाती है अपना क्रॉस बोले कर और ये वही जगह थी जहाँ पर ह्यून्स्यू थी लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर गैंगडो की सिस्टर पर अटैक कर देता है जिससे गैंगडो की सिस्टर गिर जाती है और वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है फिर हम देखते हैं कि और सीजू दोनों मिलकर कपड़ों को आपस में बांध कर उसकी एक रस्सी बनाते हैं वो उस कपड़े की रस्सी को ऊपर लगी लोहे की जाली पर फेंकते हैं लेकिन कपड़े की वो रस्सी छोटी रह जाती है और यहाँ से बच कर निकलने का मौका भी अब उनके हाथ से निकल चुका था इसके बाद गैंगडो का भाई भी उस ब्रिज के नीचे आ जाता है जहाँ उसे एक होमलेस आदमी मिलता है तब गैंगडू का भाई उस होमलेस आदमी की मदद लेकर एक पेट्रोल बम बनाने में कामयाब हो जाता है फिर वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर था और गैंगडू को भी यूनस्यू की लोकेशन पता चल चुकी थी और इसीलिए वो उस नाले को ढूंढ लेता है जहाँ पर ह्यून्स्यू थी लेकिन उस वक्त ह्यून्स्यू और वो छोटा बच्चा सीजू दोनों उस मॉन्स्टर के मुंह में थे फिर हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आखिर डॉक्टर्स ने गैंगडू पर इतना टॉर्चर क्यों किया फिर वो मॉन्स्टर उन लोगों की भीड़ की तरफ आ जाता है जिससे वो सारे लोग वहाँ से बचकर भाग जाते हैं और वहीं पर गैंगडू और उसके सिबलिंग भी आ जाते हैं साइंटिस्ट ने उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए एक गैस बनाई थी और वो उस गैस को उस मॉन्स्टर पर डालते हैं जिससे मॉन्स्टर तड़पता हुआ जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है इसी दौरान गैंगडू अपनी बेटी हिन्स्यू और उस छोटे बच्चे सीजू को उस मॉन्स्टर के मुंह से निकाल लेता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि ह्यून्स्यू मर चुकी थी लेकिन वो जो छोटा बच्चा सीजू था वो अभी जिंदा था फिर वो मॉन्स्टर दोबारा ऐसी उठ कर उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है तब वो होमलेस आदमी पेट्रोल की पूरी कैन उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल देता है और गैंगडो की सिस्टर अपनी कमान पर आग वाला तीर लेकर उस मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है जिससे उस मॉन्स्टर में आग लग जाती है और वो जलने लगता है ये मॉन्स्टर अपनी जान बचाने के लिए पानी की तरफ भागता है लेकिन तभी सामने से गैंगडो आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर के मुँह में एक रॉड घुसा देता है और उसे मार डालता है अब गैंगडो ने उस मॉन्स्टर को तो मार दिया था लेकिन इस बीच उसने अपने बहुत प्यारे लोग अपने अपने फादर और अपनी बेटी को खो दिया अब क्योंकि सीजू भी होमलेस था और उसका इस दुनिया में कोई नहीं था इसीलिए गैंगडू उसे अडॉप्ट कर लेता है और अपना बेटा बना लेता है अब गैंगडू जो कि एक काफी अच्छा और समझदार इंसान बन गया था और वो अपनी शॉप को भी काफी अच्छे से लेकर चल रहा था और वो सीजू से बिल्कुल ऐसे ही प्यार करता है जैसे वो उसका अपना ही बेटा हो और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग